देखो नंदिनी, ऐसा है कि हिम्मत हिम्मत को जरा साइड करो, चलो हमारे साथ पूजा की विधि पूरी कर लो। फिर वैसे भी जो अंग्रेज है उसको तुमसे कोई मतलब थोड़ी है, नहीं मानता तुम अपनी पत्नी। हम जो है हम मानते तुम्हें अपनी पत्नी, और हम देंगे ना तुम्हें हमारी पत्नी बनने का पूरा हक, और खुद पाएंगे तुम्हारे पति होने का सुख। चलो कर लो मैं सब पूजा, आओ। करिए ना हमारे बिटवा जैसी बात। अरे हम कह रहे चलो हमारे साथ। अरे क्या अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, भाग, ये चला गया होगा कि भाग गया होगा। और वैसे भी जो उस आदमी को कहाँ लेना देना तुमसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो कि तुमने उसके लिए व्रत रखा है कि नहीं रखा है। हम सम्मान करते तुम्हारा, अरे हमारे लिए व्रत रखते ना, शायद तुम्हारे लिए हम खुद भी रख लेते ये व्रत, और फिर जो है तुम्हारी प्यास भी बुझा देते। हमारा मतलब है पानी वानी पिला देते हैं व्रत तोड़ने के लिए, काका है नाराज हो रही। छोड़ो मेरे बहू का हाथ। सौतेली मैया तो फिर बोली बीच में, अभी हमने बस 2 मिनट पहले इनको बताया कि जिसका हाथ हम पकड़ लेते हैं ना छोड़ते नहीं, और अब तो इनका हम साथ भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी जो करना कर लीजिए, जाइए। अरे देखी मेरा हाथ काट दिया हमार, अरे वाह, जेठा हमका प्यार की निशानी दे गया। अरे वो कहा कहती है उसको नोदवाते जो टैटू, हाँ ससुरा इसका टैटवा बनवाएंगे। वाह कहाँ चली गई, हाँ हुआ सौतेली मैया गई है। बस करो ये सब तमाशा, घर में सब मेहमान आए हुए हैं, और बदतमीजी की ना तो भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को पुलिस से गिरफ्तार करवा देंगे। निकलो यहाँ से। ये सौतेली मैया ऐसी बात है, हम जा रहे आपके कहने पे, पर जो है आप हमें और हमारी माँ को गिरफ्तार नहीं करा सकती, का है ना ये हवेली की वसीयत हम दोनों के नाम पे है, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा है ना कि वो हमारे गांव से आया है, उसका मानसिक संतुलन जरा ठीक नहीं है, तभी ये सब करता रहता है। आप लोग बैठिए, चिंता की कोई बात नहीं है। अली सुनो, आकाश कहाँ है? उसको कॉल करता हूँ। अरे ऐसे कैसे चला जाता है वो? तारी उसका फोन तो यहाँ पे पड़ा है। तारी भी तो मेरे साथ है, एक लोगों से कहाँ गायब हो गया। जाओ ढूंढ के लाओ उसको। अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो। काश भैया मेरा क्या काज? नहीं यार, हर जगह देख लिया कहीं नहीं मिला। चलिए और ढूंढते, उधर देख के आता है।
अंग्रेजी हीरो काश नहीं आकाश मिला क्या? एक सूरज भैया हाँ चला गया काश मिला कहीं पे? नहीं कहा चले गए क्या हुआ फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सिर्फ गड़बड़ नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हमसे। क्या किया? चाची वो हमसे ना कटोरे घूम गए पता नहीं अब कौन सा मेहमान वो खीर खाने वाला है। दिमाग लड़की एक काम दिया था वो भी तुमसे नहीं हुआ। मतलब आज जिस जिसने खीर खाई है उसमें से किसी एक को मरना पड़ेगा। कहीं जहर की कटोरी दुलारे की जगह सासू माँ के हाथों में तो नहीं? नहीं नहीं कोई फायदा नहीं है जब तक बाहर कोई नहीं आएगा तब तक कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा। अरे नंदिनी वहां पे कुछ नहीं वो दरवाजा काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है यहाँ ढूंढते चलो नंदिनी चलो सही सुखी है हमें ऐसा लगता है वो बस आ रही है मैं थोड़ा लेके आता हूँ। मामी जी तो मैं खोलता हूँ बटूरा बुद्धि को पता ही नहीं जहर वाली खीर की कटोरी कौन सी। हाँ। मुझे तो अभी से ही सोच के रोना आ रहा है। सुनिए ना सासू माँ अगर कुछ हो जाए उसके पहले आप बता दीजिए ना कि जेवर कहाँ रखे आपने। मन पति हमने हमने मरने के लोज हमको बचा ले। जीरो कुटीर काश आकाश कुटीर ठीक है भाई किसने किया ऐसा? ये सब उस बेटा ने किया है। नहीं छोड़ो मैं उसे कटोरी दादी को तो नहीं देती। अरे बेटे हमने तो सब कुछ भी नहीं किया था। अरे तू बेहोश कैसे हो गई? पर दादी का तो फांसी ना। हाँ फांसी फांसी नहीं होगा। नहीं दादी आंखें खोलिए माँ भी पानी लाओ दादी आंखें खोलिए दादी प्लीज हम बच गए। सुमित्रा ये टेढ़ी क्यों गिर गई? सासू माँ
लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। सुमित्रा सासू माँ को अपने पास बुला लिया। अरे सुन तो ली पर ही, कागज पे सब कुछ साइन करके जाती तो क्या जाता। अरे क्या हुआ? हाय हाय हमारी सौतन मार दी। तुम सबने मिलकर टेंशन लेना गई बुढ़िया। अरे चल हट है सुक्को मारी। अरे खड़े क्या है, जाके मेरे लिए खीर लेकर आए। दादी दादी क्या हुआ आपको, क्या हुआ है? दादी उठिए, दादी दादी उठिए दादी। अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ इन्हें? बोले रुकिए रुकिए थोड़ा देर रुकिए। दादी ये कैसे किया तुमने? हम गांव के लोग बड़े अनपढ़ होते हैं, पर ज्ञान कम नहीं होता हमारे पास। आपको ठीक लग रहा है अभी? अब ठीक है। देख क्या ठीक लग रहा है, शादी आप डॉक्टर के पास चली चली। नहीं नहीं आकाश मैं ठीक हूँ, तुम बैठो चिंता मत करो, मुझे ठीक लग रहा है। हाँ हमें भी ऐसा लगता है कि अब दादी को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी चिंता में चक्कर आ गया होगा इन्हें, पर अब दादी बिल्कुल स्वस्थ है। श्योर दादी? हाँ अब मैं ठीक हूँ। नंदिनी ससुराल में तुम्हारी पहली तीज की आरती करते हैं। आरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब आप सभी अपने पति परमेश्वर का पूजन कीजिए। अगर दादी ने मुझे कसम नहीं दी होती तो मैं कभी इस लड़की से अपने लिए तीज का व्रत नहीं रखवाता। हमका तो बहुत चिंता हो रही है भाई, आखिर इन सब में से कौन होगा जिसने जहरीली खीर खाई होगी? जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। आप सबका धन्यवाद, आप हमारी बहू की पहली तीज पर यहाँ पधारे। चलो बच्चों हम लोग अंदर चलते हैं। ससुरा इतनी मुश्किल से हमने उस अंग्रेज को कैद करके बांधा था कमरे में, पता नहीं कहां से फिर से टपक पड़ी नंदिनी और छुड़ा ले गई उसे। पर तू जो है चिंता ना कर, बहुत जल्दी नंदिनी हवाई बाहु में होगी। अरे का हुआ ए दुलारी, सुन रही कि नहीं सुन रही? उनका का हुआ तेरे को ए दुलारी? दुलारी 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 ए दुलारी क्या हुआ तुझे? ए दुलारी दुलारी होश में तो है, कुछ बोल क्यों नहीं रही? दुलारी दुलारी क्या हुआ इन्हें? ए दुलारी क्या हो क्या इसको? ए सोतेली मैया देख दुलारी कुछ बोल रही, अपनी मदद करना, कुछ करना हमारे लिए। सही कहते हैं लोग, जब खुद का हाथ कटता है तब दर्द का अंदाजा होता है। ये जो तुम दूसरों को दर्द दे घूमते फिरते हो, अब पता चला कैसा लगता है उन्हें? क्या हुआ इन्हें? हाँ बताते हैं आपको, हमने ज्योति भाभी और प्रिया भाभी को खीर में जहर मिलाते हुए देखा था। ये
क्या बोल रहे हो तुम? शायद इन्होंने वही खीर खा ली है। आकाश इधर आओ। हाँ दादी। मुझे लगता है कि हमको इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल गए तो केस हो सकता है, हम जेल जा सकते हैं। एक काम करते हैं, हम डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं। इससे पहले काली भैंस नहीं जग जाए। चल मरती बेटा भाग ले। तुम यहाँ क्या नजारे ले रहे हो? चलो अंदर। क्या हुआ? और चलो चलो अंदर। इसे भी परिवार वालों को हमें अच्छाई का पाठ पढ़ाना ही होगा। अरे हुआ क्या आखिर, तुम हमें अंदर क्यों ले आई? सही बात है, वहां पे कोई बेहोश पड़ा है और तुम मुझे ऊपर ले आई। वो बेहोश नहीं है, उन्हें जहर दिया गया, वो मरने वाली है। अब आपकी पत्नियां जेल जाने वाली है क्योंकि उनकी खीर में जहर भाभी ने ही मिलाया था। भाभी अब आप जेल में पत्थर तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए, पर आप चिंता मत कीजिए। हाँ, जेल में महीने में एक बार परिवार को मिलने दिया जाता है। हम तब आपकी मन पसंद खीर बना कर लाएंगे, आपको बहुत पसंद है ना? अरे मुझे नहीं पसंद खीर, कुछ भी नहीं किया। अब आप झाड़ू करकट की आदत डाल लीजिए। वो कहा है कि हुआ करना पड़ता है ना, हम तो कहते हैं अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या करूं? तुमने तो कुछ नहीं किया ना? अरे भैया इन्हें तो सबसे ज्यादा सजा मिलेगी, काहे कि भाभी ने तो सिर्फ खीर में जहर मिला है, पर दुदारी जी को जहर तो ज्योति भाभी ने ही दिया है ना। भाभी अब जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। भूल जाइए और जेल की रूखी सूखी रोटी खाने की आदत डाल लीजिए आप। क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, आप तो करता धरता है, आपके लिए तो सीधे फांसी का फंदा तैयार होगा। टांग दो इन्हें फांसी पे। दादी, गौरे बाबा कैसे भी करके इस काली भैंसिया को मरने से कैसे भी रोकना पड़ेगा। ए दुलारी, ए मरियो मत मारे, मत मरियो दुलारी, ए दुलारी आ, ए चल कमिया। ए ए दुलारी तो हमका छोड़ के नहीं जा सकती मेरी छोटी बहना। ए दुलारिया, ए भाई माँ से दूर रहना, तो कोई कुछ नहीं करेगा, जो करना हम करेंगे, ठीक है? दूर हटिए। इस उम्र में तू हमका जेल नहीं भिजवा सकती दुलारिया। दुलारी दीदी प्लीज उठ जाओ। दुलारी कुछ करो ना, हमें जेल नहीं जाना। चुप हो जाइए, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हैं? ना आप जेल जा रही हो ना ही स्वर्ग में जा रही है, काहे की बिल्कुल ठीक है। कैसे? हमने जहर वाली कटोरी हटा दी थी। जहर की कटोरी? हाँ दादी माँ। प्रिया इस फूल को खीर में मिला देना। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप सब लोग नंदिनी को गवार कहते थे, आज वही नंदिनी ने आप सबको जेल जाने से बचा लिया है।
अगर इसने जहर नहीं खाया तो फिर उठ काहे क्यों नहीं रही? काहे की बस बेहोश है, हमने इनके खीर में नींद की गोली डाल दी थी। नींद की गोली? इसके लिए हम आप सबसे माफी मांगते हैं, पर आप लोगों को सबक सिखाने के लिए नाटक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आज सच में इन्होंने वो खीर खा ली होती तो आप लोग झूठ मूठ का नहीं सचमुच का जेल में होते। याद रखिए, जीतने के लिए जो लोगों की जान ले लेता है उसके पास दिल नहीं होता, डर होता है, और किसी की जान की आहुति देकर आप अपनी खुशियों का आशियाना नहीं बना सकते, समझे कि? और गहराई से समझाएं। शुक्रिया नंदू, तुमने हम सबको जेल जाने से बचा लिया, इसलिए थैंक यू। कोई थैंक यू वैंक यू से काम नहीं चलेगा, आप सबको नंदनी को सैल्यूट करना हो। बड़ी दादी चलिए सैल्यूट कीजिए। सैल्यूट पता है क्या होता है? सलाम, सलाम पता है ना? चलिए कीजिए। चाची चल कमिया। अब चाहे हम अपनी पत्नी ना माने, लेकिन हमारे सम्मान के लिए आज जो आपने सबसे हमें सलाम करवाया ना, वो देखकर हमें यकीन हो चला कि एक दिन आप हमें इज्जत के साथ साथ अपने दिल में जगह भी देंगे। लेकिन नींद कैसे आ गई थी हमें? ये भाई हम बेहोश कैसे हो गए? ए दुलारी, ये को तो होश आ गया रे। देख हम तेरी मिस्ती लेकर आए थे ताकि तुझे होश मिला सके, और तुझे तो पहले ही होश आ गया। ये ले। क्या हुआ? अरे हमें बेहोश कौन किया था बे? बेहोश? हमने तो खीर खाई थी। ये तो हमने सोचा ही नहीं। छोड़ेगी नहीं ये दुलारी उसे। तू देखती जा दुलारी, इस भारतवाज खानदान में जिसने भी ये कांड किया है ना ससुरा, उसकी तो जान ले लेंगे हम। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।